मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए उत्तराखंड बायोलॉजी का पेपर लेके हाजिर हैं। यह पेपर 2018 का है और आने वाले उत्तराखंड लेक्चरर 2020 के एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी होगा। इस प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रश्न हैं, तो यहाँ हम केवल हिंदी के प्रश्नों पर ही बात करेंगे और आपको ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर बताएंगे। तो आप इस पेपर को ज़रूर देखिए, क्योंकि 2020 में जो आपका पेपर होने वाला है, इसमें 200 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव ही होंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जुरैसिक कल्प से संबंधित है? तो देखिए, इसका आंसर होगा पी, मध्य जीवीय। दूसरा प्रश्न, पेरिप्लेट्स एक संयोजक कड़ी है एनिलिडा एवं अर्थोपोडा के बीच। तो हम केवल आपको आंसर बता रहे हैं, आप चारों ऑप्शनों को जरूर देखें। आधुनिक घोड़े के पूर्वज रहते थे, तो इसका सही आंसर है अमेरिका में। शेर मिलते हैं प्राच्य एवं इथोपियन क्षेत्र में। देखिए, चारों ऑप्शन यदि हम पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए आप चारों ऑप्शनों को ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है मीजो जोइक। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीव जाति का उद्भव किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे सही आंसर है डार्विन। जंतु के व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है इथोलॉजी, यानी आचार विज्ञान। लैटिन में फोसिलिस यानी जीवाश्म का अर्थ है ए ऑप्शन खोदना। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक द्विसंकरण की स्थिति में शामिल है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, यानी स्वतंत्र विन्यास। मनुष्य में एक पॉलीजीनिक अनुवांशिक गुण है त्वचा का रंग। देखिए, यदि आप अंग्रेजी के प्रश्न देखना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी के प्रश्न भी दिखा देते हैं, आप अंग्रेजी में भी इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए, लेकिन हम यहाँ पे केवल हिंदी में ही प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, 12वां प्रश्न, 13वां, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यदि आपको अंग्रेजी में प्रश्नों को देखना है। अगला प्रश्न है, बल्बियानी रिंग्स होते हैं? तो इसका सही आंसर है पाली टीन गुणसूत्र में। दो पौधों के वांछित लक्षणों को एक ही पौधे में पाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक उपयुक्त है? इसका जो सही आंसर है वह है ग्राफ्टिंग, सी ऑप्शन। हीमोग्लोबिन्स मायोग्लोबिन्स कैरोटीनाइड्स को कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, क्रोमोपोटीन्स। एक व्यक्ति की होमोजाइगोसिटी यानी सहयुग्मजन तथा हिटरोजाइगोसिटी यानी विषम युग्मजन जानने का श्रेष्ठ उपाय होगा? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी टेस्ट क्रॉस। लाइगेज का अन्य नाम है? तो आंसर की के अनुसार इसका आंसर है ज्वाइनिंग एंजाइम। सेंटोमियर गुणसूत्र बिंदु अव्यय है, सी ऑप्शन, गुणसूत्र का, यानी सेंटोमियर गुणसूत्र का कंपोनेंट है। कोशिका झिल्ली अधिकांशतः बनी होती है, बी ऑप्शन, वसा एवं प्रोटीन। जब एक
द्विगुणित कोशिका में काल्चिसिन मिलाया जाता है तो यह हो जाता है चौगुणित। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड का एक अल्फा हेलिक्स को विदारित करता है? प्रोलीन इसका सही आंसर होगा। जब एंजाइम गतिविधि के वेग को सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार सांद्रता के सापेक्ष में आलेखित किया जाता है तो यह दिखाता है हाइपरबोलिक वक्र यानी अतिपरवलयिक। देखिए यदि आपको पेपर को अंग्रेजी में भी देखना हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, प्रश्नों को देखिए और अंग्रेजी में भी इन्हें आप समझ सकते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो चारों ऑप्शनों को आप देखिए किसमें कौन सा सही वाक्य है। तो इसका जो आंसर होगा आंसर की के अनुसार वह है बी ऑप्शन, लिग्यूम्स बैक्टीरिया के माध्यम से जड़ों में नाइट्रोजन संग्रहित करते हैं। छत्रक की खेती में चरण होते हैं यानी मशरूम की खेती में चरण होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन। आप चारों ऑप्शनों को देखिए, कंपोस्टिंग, स्पॉइनिंग, आवरण और कटाई। अनुवांशिक अभियंत्रित गोल्डन चावल बड़ी मात्रा में संश्लेषित करते हैं, बी ऑप्शन बीटा कैरोटीन। प्लास्मिड वेक्टर के साथ प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का लिंक संभव होता है, डीएनए लाइगेज इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पादप उत्तक संवर्धन तकनीकी या तकनीक एक पुनः परिभाषित विधि है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है बी ऑप्शन यानी कायिक प्रबंधन। जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला हार्मोन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है इंसुलिन। जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया? सी ऑप्शन जोहेंसेन द्वारा जीन शब्द को प्रतिपादित किया गया। जैविक खेती किसके उपयोग के माध्यम से फसलों को उगाने की तकनीक है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी यानी हरी खाद, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक। बीटी कॉटन में बीटी का पूरा नाम क्या है? तो बीटी का पूरा नाम है बेसिलस थुरिगिएंसिस। इसका सही आंसर होगा। देखिए अंग्रेजी में भी आप प्रश्नों को फिर से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, इन्हें पढ़िए, उसके बाद हिंदी में प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न, डीएनए प्रतिकृति के दौरान स्ट्रैंड्स यानी तंतु गुच्छ किसके द्वारा अलग होते हैं? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, डीएनए हेलिकेज के द्वारा। निम्न में से किस कुल में छत्रक पुष्पक्रम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, एपिएसी में। एस्टरेसी कुल का विशिष्ट फल है? तो इसका आंसर होगा सी सिपसैला। वर्टिसिलास्ट पुष्पक्रम देखा गया है? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी में। लेमियम में, साल्विया में और आर्सिमम में। पंखदार वर्तिकाग्र होता है गेहूं में? निष्का आंसर गेहूं होगा। द्विबीज पत्रीय पौधों का सबसे बड़ा कुल है?
तो यह होगा आंसर एस्टी रेसी। नाल तंत्र किन फाइलम में पाया जाता है? पोरीफेरा संघ में। क्लाइओना सीलेटा को सामान्यतः कहते हैं। बोरिंग स्पंज, चारों ऑप्शन आप जरूर देखिए। पुस्त फुफ्फुस पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिच्छुओं में। निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक जीवन पाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों में, समान पंखी और कला पंखी। अगला प्रश्न है, एस के हेलेमी निथीस होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन कूट गुहिया। आप इन प्रश्नों को अंग्रेजी में भी ज़रूर देखें क्योंकि इनकी मीनिंग आपको समझ में हो सकता है ना आए, इसलिए आप इन्हें अंग्रेजी में भी अवश्य देखें। जेम्नोफिओना का उदाहरण है, तो इसका आंसर है इक्थोयोफिस। देखिए अब फिर इंग्लिश में प्रश्न है, आप इन्हें देखिए पढ़िए, इसके बाद फिर आपको हिंदी में प्रश्न मिलेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए। स्पोंजिला पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है मीठे जल में। कवक कोशिका भित्ति का सबसे साधारण घटक है, डी ऑप्शन काइटिन। शैवाल जो न नील हरित शैवाल से मिलते हैं न हरित शैवाल से मिलते हैं किंतु दोनों के कुछ गुण विद्यमान होते हैं को रखा गया है, तो इनको कहा गया है सी ऑप्शन इसका सही आंसर, यानी पोक्लोरोफाइट खंड के अंतर्गत इन्हें कहा गया है। स्पेरोजुआ पूर्ण रूप से होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी परजीवी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वर्ग मांसाहारी में शामिल है? तो चार ऑप्शन आप देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन भेड़िया कुत्ता और सियार, ये मांसाहारी वर्ग में शामिल है। यदि सर्प का सिर ढाल से ढका हो और अधर ढाल संपूर्ण तंतु को ढकती हो तो सर्प होगा विषैला, इसका सही आंसर होगा। पादप जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं पादप जीवाश्म विज्ञान, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। अनावृत बीजी के दारु जाइलम में अनुपस्थित होता है, डी ऑप्शन वाहिका। कवक की अपूर्ण इम्परफेक्ट अवस्था से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका आंसर होगा जब कवक केवल अलैंगिक प्रजनन करते हैं, तो ये इम्परफेक्ट अवस्था होगी कवक की। फिर से देखिए इंग्लिश में आपके सामने प्रश्न है, आप इन्हें देखिए पढ़िए वीडियो को पॉज करिए। अगला प्रश्न है, पानी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश हेतु वास्तविक बल है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ए ऑप्शन यानी प्रसार दाब की कमी। शुक्राणु के अग्रिम भाग पर स्थित एक छोटी टोपी की तरह संरचना को कहा जाता है अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। पुटुक प्रेरक ग्रंथिरस यानी हार्मोन का स्त्राव होता है प्यूस ग्रंथि से। भ्रूण का दूरस्थ असंवहनीय भाग कहलाता है अपारदर्शी पीत की क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन
उल्बी वर्ग जंतु है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी यानी पक्षी वर्ग, सरीसृप और स्तनधारी। किसके भ्रूण में पाती पार्श्व तथा पाती आधार पाई जाती है? तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा स्तनधारियों के। कुटकुट भ्रूण में अर्ध परवर्ध सेरिबी प्रकट होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, 50 से 55 घंटों में। बिना निषेचन के अंडे का विकास कहलाता है अनिषेक जनन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किसे जाति आवर्तन नियम भी कहा जाता है? पुनरावर्तन इसका सही आंसर होगा। अगला है ताल परिस्थितिकीय तंत्र में जैव मात्रा पिरामिड की आकृति होती है? तो भी ऑप्शन इसका सही आंसर है उल्टी, यानी पिरामिड इसमें उल्टी होती है। फिर से देखिए अंग्रेजी के सवाल आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 62 से, तो आप इन्हें देखिए, पढ़िए, पॉज करिए। यदि आपको हिंदी में कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे अंग्रेजी में भी अवश्य देखें। पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस का मुख्य संग्रह है? तो देखिए इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, चट्टानों में। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक खाद्य स्तर को उसके पूर्ववर्ती खाद्य स्तर से कम ऊर्जा उपलब्ध होती है, क्योंकि प्रत्येक खाद्य स्तर पर श्वसन क्रिया में ऊर्जा का ह्रास होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ओजोन की परत पाई जाती है? सी ऑप्शन सही है इसका, स्ट्रेटोस्फीयर। लॉस एंजलिस की तरह के स्मॉग में मुख्य प्रदूषक है? तो देखिए इसका सही आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वायुमंडलीय वायु में निम्नलिखित में से कौन सा पार्टिकुलेट पदार्थ का एक घटक हो सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर सी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों ही इसमें हो सकते हैं, धूल और एरोसोल्स। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के ह्रास का कारक है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी अंतः प्रजनन, आबादी के आकार में कमी, विषम युग्म जी में कमी। तो ये जैव विविधता के ह्रास के कारक हैं सभी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, 1935 में टेंसले के द्वारा। ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड सम्मिलित होता है। बेहतर पोषण की गुणवत्ता के लिए प्रजनन फसलों को संदर्भित किया जाता है? बायोफोर्टिफिकेशन इसका सही आंसर होगा। देखिए फिर से अंग्रेजी के प्रश्न यहाँ पे, आप इन्हें देखिए, पढ़िए और फिर हिंदी के प्रश्नों के अनुसार इनके उत्तरों को समझें। देखिए अगला प्रश्न होगा, ट्रांसजीनिक खाद्य फसल जो विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या से समाधान में सहायक हो सकती है वह है? ए ऑप्शन सही होगा इसका, गोल्डन राइस। DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, क्रायो प्रोटेक्टेंट के रूप में।
जिस प्रक्रिया में एक रोग जनक जीव का नियंत्रण परभक्षी का प्रयोग करते हुए किया जाता है कहलाता है सी ऑप्शन यानी जैविक नियंत्रण। अगला है पेवराइन, एक रोग है रेशम कीट का। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज अवरोधक है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन मेलाथियन। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस से उत्पन्न रेशा जिसका बृहत वाणिज्यिक महत्व है प्राप्त होता है डी ऑप्शन यानी कपास से। रौवालफिया स्पोर्टाइना का चिकित्सकीय रूप में सबसे महत्वपूर्ण भाग है जड़। एट्रोपियन किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन बेला टोना से। निम्नलिखित में से कौन सा राल लकड़ी और लुगदी प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन पाइनस। कॉफी पाउडर के साथ मिश्रित किया जाने वाला चिकोरी पाउडर प्राप्त किया जाता है सी ऑप्शन जड़ों से। ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर जाती है फुफ्फुसीय धमनी। देखिए फिर से अब अंग्रेजी के सवाल 82 क्वेश्चन से लेकर के और 91 तक, तो आप इन्हें देखिए एक बार और फिर हम आपको हिंदी के प्रश्नों में इनका आंसर बताएंगे। देखिए अगला सवाल है पेप्सिन का स्त्राव होता है, तो इसका सही आंसर होगा आमाशय की जाइमोजेन कोशिका से यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मानव शरीर में निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका सबसे बड़ी होती है? तो सबसे बड़ी वाहिका होती है महाधमनी। अधिकांश वसा का पाचन होता है शुद्रांत में। निम्न में से कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन विटामिन B2। तंत्रिका कोशिकाओं में सोडियम आयनों को कम सांद्रता के क्षेत्र में उच्चतर सांद्रता के क्षेत्र में पंप किया जाता है, यह प्रक्रिया एक उदाहरण है सक्रिय परिवहन की। निम्न में से किस आयनों का संग्रहण प्रहरी कोशिकाओं में रंधी के खुलने के समय होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन पोटेशियम आयन। साइटोक्रोम्स सहायता करते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन में। अग्न्याशायी रस कार्य करता है क्षारीय माध्यम से। पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के किस छोर पर न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ए ऑप्शन यानी 3 छोर पर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी जैविक क्रियाओं जैसे चलन भक्षकाणु क्रिया एवं अंतःकोशिकीय शारीरतः बिना अभिरंजन के अवलोकन में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन कला विपर्यवासी सूक्ष्मदर्शी। देखिए अब आखिरी सवाल हैं इसके 92 से 100 तक, इन्हें आप अंग्रेजी में देखिए इनके मीनिंग को देखिए क्योंकि काफ़ी मुश्किल मीनिंग होती हैं हिंदी में, तो आप इन्हें ज़रूर देखिए।
अगला जो सवाल है वह है क्वाड्रेट्स निम्नलिखित में से किसके मापने के काम में लाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, जनसंख्या घनत्व, सुकेंद्रक, राइबोसोम। SCS में निम्नलिखित दो सब यूनिट्स होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है बी ऑप्शन 40S और 60S। ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में उपयोग आने वाला TI प्लाज्मिड पाया जाता है सी ऑप्शन एग्रोबैक्टीरियम में। पेप्टाइड अनुबंधन है ए ऑप्शन CONH। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रोटीन का आणविक भार ज्ञात किया जाता है। इसका सही आंसर है SDS पेज। एसिलेशन द्वारा प्रोटीन रूपांतरण में संलग्न होता है वसा पक्ष श्रृंखला। यदि समांतर माध्यम के परिकलन में सभी मदों का एक समान महत्व न हो तब इसकी गणना की जाती है भारित समांतर माध्यम के रूप में। यदि दंड आरेख केवल एक परिवर्ती को ही प्रदर्शित करता है तो यह कहलाता है सरल दंड आरेख। निम्न में से किसे गामा विविधता कहते हैं। तो इसका सही आंसर है किसी द्वीप अथवा दृश्य भूमि की विविधता। तो इस तरह से उत्तराखंड प्रवक्ता जीव विज्ञान 2018 का यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और उत्तराखंड लेक्चरर के अन्य प्रश्न पत्रों को भी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।